उससे कितने साल पहले देखा। आजकल सारे आईटी के ऊपर बात करते हैं, आजकल हम सब आईटी पे जोर देते हैं, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री है तो मीडिया इंडस्ट्री में भी हम यही कहते हैं कि डिजिटल के ऊपर फोकस करो बिकॉज़ फ्यूचर यही है। अगर पाकिस्तान की बात करें और अगर हम मेन जो मीटिंग्स इस्लामाबाद में हो रही होती हैं उसके ऊपर बात करें तो वहाँ पे भी यही बात हो रही होती है कि फोकस करें आईटी के ऊपर क्योंकि फ्यूचर यही है। तो वो ख्वाब जो उसने आज से इतने साल पहले देखा था और दुनिया आजकल वो चीज़ें कर रही है, तो वो जीनियस बच्ची थी और उसको पूरा पाकिस्तान याद भी करता है और उसको मिस भी करता है। और हमें उसके मिशन को, हम सबको जितने हम लोग हैं, हम सबका फ़र्ज़ है कि उसके मिशन को किसी न किसी फॉर्म में हम आगे लेके जाएं, जो जो अपना हिस्सा डाल सकता है उसमें ज़रूर हिस्सा डालें। और पाकिस्तान का फ्यूचर भी इसी में है कि हम जितना कर सकते हैं हम अपने आप को आईटी सेक्टर के साथ लिंक करें, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं। और अगर हम नहीं करेंगे तो मैं आपको सिर्फ़ एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, बड़ी आसान सी। पाकिस्तान के बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स थे बड़े, मैं मीडिया की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, मेरा अपना ताल्लुक मीडिया से तो मुझे ज़्यादा आसान है आप लोगों को ये मिसाल देना। और 80s और 90s में वो बहुत बड़े ग्रुप होते थे। जब टेलीविज़न का एरा आया तो उनमें से बहुत सारे ग्रुप्स ने टेलीविज़न की तरफ अपने आप को कन्वर्ट कर लिया और कुछ ग्रुप्स वहीं के वहीं रह गए। आज वो इतने बड़े नाम, वो इतना बड़ा ग्रुप, वो मौजूद ही नहीं है। और जिन ग्रुप्स ने अपने आप को, चाहे वो नए थे वो चाहे पुराने थे, जिन्होंने अपने आप को डिजिटल में उस टाइम पे टीवी पे चेंज किया, तो वो आज पाकिस्तान के बड़े तरीन ग्रुप्स में से हैं। अब एक नया एरा आया है, वो डिजिटल मीडिया का, डिजिटल ओवरऑल डिजिटल एरा आया है। जो ग्रुप्स अपने आप को सिर्फ टेलीविज़न में रख रहे हैं और डिजिटल पे नहीं जा रहे, अनफॉर्चुनेटली कहना अच्छा लगे ना लगे, उनका भी हाल वही है जो उस तरह के ग्रुप्स के साथ हुआ जो उस टाइम रिजिड रहे कि नहीं, हम तो बस इसी में रहेंगे, हमने चेंज नहीं करना अपने आप को। ये दुनिया बहुत फास्ट है, दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, और अगर हमने, पाकिस्तान ने, हमारी प्राइवेट सेक्टर ने, हमारी गवर्नमेंट सेक्टर ने इसको उस स्पीड पे ना पकड़ा जिस स्पीड पे दुनिया चल रही है, तो अल्लाह ना मेरे मुंह में खाक, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हम ऑलरेडी पीछे हैं, हम हमारी एक्सपोर्ट और हमारे दूसरे मुल्क जिनके साथ हमारा मुकाबला है उनकी एक्सपोर्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हमें सबको वो जो अरफा करीम ने हमें एक विज़न दिया है, एक उसकी सोच थी जो अब उस टाइम पूरी गवर्नमेंट की, हर एक की सोच है, हमें उसको लेके आगे जाना है। किस तरीके से जाना है हर बंदे ने अपना अपना सोचना है कि मैं अपने आप को डिजिटली कैसे लिंक कर सकता हूँ, प्राइवेट कंपनीज़ ने कैसे लिंक करना है, गवर्नमेंट ऑलरेडी, अच्छी बात यह है कि हमारा कैबिनेट का इजलास जो था, तकरीबन एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कैबिनेट का इजलास 15 से 18 लाख और 20 लाख रुपए का कॉस्ट करता था, क्योंकि उस पर कागज़ हर जो मेंबर आता था उसके लिए तकरीबन साइड पे इतना बड़ा पलंदा फोटोकॉपीज़ का लगा होता था, चाहे वो देखता था या नहीं देखता था। हमने आके टोटली उसको, कैबिनेट इजलास को भी और हमारी जितनी समरीज आती थी उनको डिजिटल कर दिया। अब कोई कागज़ हमारी कैबिनेट मीटिंग में हमारे पास नहीं पड़ा होता, एक टैबलेट छोटी सी पड़ी हुई है, उस पे एजेंडा है और उस पे आपने देखना है, उसी को पढ़ लेना है आपने, उसी से पढ़ के आपने अपना ओपिनियन दे देना है। तो कोशिश की है हमने थोड़ी सी, कहने की बात नहीं है, 15-20 लाख रुपए पर कैबिनेट इजलास, अगर आपके 4 इजलास हैं तो आपका 1 करोड़ रुपया तो सिर्फ कागज़ पे ज़ाया हो जाता था, सिर्फ कागज़ पे ज़ाया हो जाता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे बहुत फ़र्क पड़ता है, और ये सारा डिजिटली आप चीज़ें करेंगे तो और ज़्यादा सेविंग हो जाएगी। इसी तरह जब समरी मूव होती थी तो पहले एक बंदे के दस्तखत होते थे, फिर
फिर वो डिस्पैचर होता था, वो मोटरसाइकिल पे लेके दूसरी जगह जाता था, दूसरी से तीसरी, 8-10 लोगों से साइन करा के वो सीएम ऑफिस पहुंचती थी। अब वो डिजिटल है, वो हर एक का अपना अपना पोर्टल है जिसपे वो जाता है, उसके पास आती है, वो वहीं पे उसको ओके करता है और इसी तरह करते कराते वो सीएम तक पहुंच जाती है। तो तमाम लोग जो यहाँ पे हैं और जो अरफा करीम को याद करने के लिए यहाँ पे हैं, उन सब का शुक्रिया। और हम सब के लिए आज फ़ख्र की बात है, कुछ लोगों को आप फ़ख्र से याद करते हैं, तो अरफा करीम वो बची है जिसको हम फ़ख्र से याद करते हैं। अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को, उनके तमाम रिश्तेदारों को, तमाम लोगों को हिम्मत अता करे कि उसके मिशन को आगे लेके चलें।